SC ST आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के बाद देश भर में मचा सियासी भूचाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। फैसले के खिलाफ आरक्षित वर्ग ने भारत बंद का आह्वान किया, जिसका जयपुर समेत कई शहरों में मिला जुला असर देखने को मिला। वहीं इस मुद्दे पर राजनीतिक दलों में जबरदस्त बयानबाजी भी देखने को मिली है। बेतों का भारत बंद कर रहे हैं, भारत बंद की कोई आवश्यकता नहीं है। भारत बंद करने वाले राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑब्जर्वेशन दिया कि क्रिमिनल एयर लागू होनी चाहिए, क्रिमिनल एयर सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑब्जर्वेशन दिया कि क्रिमिनल एयर पर विचार किया जाना चाहिए, लागू होना चाहिए और उस पर कैबिनेट ने मना कर दिया। प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट मीटिंग बुलाई और ये मना कर दिया, हम किसी प्रकार का क्रिमिनल एयर लागू नहीं करेंगे। तो केवल राजनीतिक फायदे के लिए लोग बाग ST SC को गुमराह करना चाहते हैं, बहकाना चाहते हैं, देश में हिंसा फैलाना चाहते हैं, वो किसी भी तरह से उचित नहीं। लेकिन एक क्रिमिनल एयर की एक मैं बात बताना चाहता हूँ जो हटकर है, सारे देश में जो आंदोलन चल रहा है, मैं सुप्रीम कोर्ट की भावना के साथ ये मेरे व्यक्तिगत राय है इसलिए साथ हूँ कि मेरे गांव में मैंने उदाहरण दिया था, एक व्यक्ति 30 साल से पहाड़ फोद के मजदूरी करके पेट पालन कर रहा है, उसके बेटे भी उसी ढर्रे पर हैं, मेरा पड़ोसी, और मैं डॉक्टर भी बन गया, मेरा भाई RS IAS भी बन गया, मैं MLA मंत्री भी बन गया, लेकिन वो अभी तक नहीं बन पाया, उसको मौका मिलना चाहिए। जो बंद का विषय है वो संगठन अपने अपने हिसाब से करते रहते हैं। सरकार ने मीटिंगें ली है, सरकार ने प्रदेश लेवल पे भी मीटिंग ली है, सरकार ने IG और जो डिविजनल कमिश्नर, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और हमारे SP सबको इसके लिए पाबंद किया है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे, शांति बनी रहे। देखिए, जैसा अभी 1 अगस्त 2024 को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया पंजाब सरकार के उस अपील पर, और ये वर्ष 2004 से लेकर 2024 तक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट एक प्रकरण चला था चेन्नैया बनाम आंध्र प्रदेश सरकार का, उसमें उन्होंने कहा था कि SC ST जातियों में सब क्लासिफिकेशन जो है वो नियमों के विपरीत है, उसको हम लोग नहीं कर सकते। उसी फैसले को पलटते हुए अभी पंजाब सरकार के उस निर्णय पर, जब उन्होंने 2006 के अंदर सरकारी नौकरियों में SC वर्ग को आरक्षण के अंदर उपवर्गीकरण का नियम बनाया था, सर्कुलर जारी किया था, फिर 2010 के अंदर ऑनरेबल पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने उसको फैसले को निरस्त कर दिया, उसकी अपील में वो लोग सुप्रीम कोर्ट गए थे। अभी हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी से बातचीत हुई है, उन SC ST संगठनों की बात हुई, हमने कहा है कि हम पहले तो केंद्र सरकार के निर्णय जो होगा इसके अंदर उसके साथ रहेंगे, और दूसरा संविधान हमारा किसी भी वर्ग के अंदर उपवर्गीकरण के लिए नहीं कहता है, हम SC ST वर्ग के लोगों के साथ में हैं, उनकी भावनाओं की कद्र करेंगे और संविधान के खिलाफ में ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जहां SC ST वर्ग के लोगों के साथ में समानता का जो भाव है वो नहीं हो, हम निश्चित ही उनकी भावनाओं की कदर करेंगे। SC ST संयुक्त संघर्ष समिति की तरफ से भारत बंद के आह्वान के बाद जयपुर के अलग अलग हिस्सों में रैली निकाली गई। इसके बाद प्रदर्शनकारी अल्बर्ट हॉल पर जमा हुए। SC ST संयुक्त संघर्ष समिति की यह रैली अल्बर्ट हॉल से शुरू हुई, जो चौड़ा रास्ता, त्रिपोलिया बाजार, बड़ी चौपर, जौहरी बाजार और सांगानेर गेट होते हुए फिर रामनिवास बाग पहुंची। रैली के बाद SC ST आरक्षण में वर्गीकरण के विरोध में कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। जयपुर बंद में रैली के दौरान पुलिस प्रशासन का जाब्ता प्रदर्शनकारियों के साथ मौजूद रहा और शांति बहाली के प्रयास करता हुआ नजर आया। आज राजस्थान बंद के आह्वान किया गया था 21 तारीख को, आज से करीब 10-12 दिन पहले से सभी पुलिस अधिकारियों को जिला स्तर पे ये निर्देश दिए गए थे कि बंद आह्वान करने वाले जो संगठन हैं उनके पदाधिकारियों के साथ और व्यापार संगठन के साथ, ट्रांसपोर्ट यूनियन के साथ बैठ के अलग अलग स्तर पे, पुलिस स्टेशन पे, DYSP स्तर पे, SP के स्तर पे, इनसे अलग अलग बात करके चर्चा करें ताकि बंद के दौरान 21 तारीख को किसी प्रकार की, बंद के आयोजन के संबंध में किसी प्रकार का विवाद नहीं रहे। ये कार्रवाई पिछले 10-12 दिन से
हमारे अधिकारियों ने काफ़ी अच्छी तरह से अलग अलग समय में अलग अलग लोगों के साथ कई स्तर की कई बार की वार्ता करी और जहाँ जहाँ कहीं किसी प्रकार का कन्फ्यूज़न था उस कन्फ्यूज़न को दूर करने का प्रयास किया। राज्य सरकार द्वारा भी बैठकों का आयोजन किया गया और दिशा निर्देश जारी किए गए। सीएस महोदय ने भी एक जिला प्रशासन के जिला कलेक्टर और एसपीज और आईजी और कमिश्नर्स के साथ एक बैठक करके सभी को एक जुट होकर इस बंद के दौरान व्यवस्था बनाए रखने के लिए निर्देश जारी किए थे। उस निर्देशों के कारण और प्रयासों के कारण सभी जगह जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन एक साथ मिलकर व्यवस्थाओं को तैयार किया और सभी लोगों को एक जगह बिठा के बात करके सहमति प्राप्त करी बंद के आयोजन के संबंध में। और आज सुबह से ही सभी जगह सभी जिलों में सभी ने काफ़ी अच्छा मेहनत करके इस बंद को पुलिस प्रशासन और के तरफ से शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए इन्होंने अपना महती योगदान दिया और आज बंद जो है शांतिपूर्वक राजस्थान में संपन्न हुआ है। दो तीन छोटे छोटे इंसिडेंट्स अलग अलग जगह हुए हैं जो जिस संबंध में अभी तक तो कोई केसेस रजिस्टर नहीं हुए, लेकिन जैसे अगर किसी अफेक्टेड पार्टी कोई रिपोर्ट देती है तो जैसे रिपोर्ट आएगी उसी अनुसार जो घटनाएं हुई है उस पर जो भी कानूनी कार्रवाई होती है वो हम संपादित करेंगे। वहीं राजधानी जयपुर में भारत बंद के समर्थकों ने बाहरी इलाकों में जबरन बाजार और मॉल भी बंद करवाए। जगतपुरा इलाके के अलावा जयपुर के उपनगर सांगानेर और बस्ती क्षेत्र में भी बंद का व्यापक असर देखने को मिला। वहीं चारदीवारी इलाके में बाजार पूरी तरह से बंद दिखे। इस दौरान सड़कों पर रोजाना के मुकाबले ट्रैफिक कम रहा। जयपुर के वैशाली नगर, छोटवाला, मुरलीपुरा और विद्याधर नगर क्षेत्र में बाजार आंशिक रूप से बंद रहे। बता दें कि एससी एसटी के आरक्षण में क्रिमिक लेयर पर उच्चतम न्यायालय के पिछले 1 अगस्त के फैसले के खिलाफ देश भर के 21 संगठनों ने भारत बंद का आह्वान किया। संगठनों ने इस फैसले का विरोध करते हुए कहा कि इसके आरक्षण के मूल सिद्धांतों को क्षति होगी।